देश भर में आज पेंशन दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पेंशनर समाज अजमेर की ओर से गाट ब्राह्मण धर्मशाला में पेंशनर दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडीएम सिटी सुरेश सिंधी ने कार्यक्रम की शुरुआत की और पेंशन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की बात कही। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि 17 दिसंबर पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दौरान पेंशन पाने वाले सभी पूर्व कर्मचारियों को विभिन्न जानकारियां देने के साथ ही उनके निवारण का भरोसा दिलाया गया। वहीं पेंशन कब से शुरू हुई और इसके इतिहास की जानकारी भी दी गई। संघर्षक पेंशन समय पेंशन 17 दिसंबर को माननीय न्याय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने पूरे हिंदुस्तान में चाहे केंद्र के कर्मचारी हो चाहे स्टेट्स के कर्मचारी हो 17 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष के अंदर पेंशन दिवस मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य के अंदर आज ये मान सिंह जी वर्मा के नेतृत्व के अंदर हम यहाँ पर जो है पेंशन दिवस मना रहे हैं। इसमें क्या क्या होगा? इसमें जो 80 वर्ष से ऊपर वाले जो बुजुर्ग हैं उन हमारे पेंशनर साथी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा साल उड़ा करके और पुष्पहार वगैरह भेंट करके और नारियल वगैरह श्रीफल वगैरह भेंट करके उनको सम्मानित किया जाएगा और कई बुनियादी सवाल हैं वो जो है यहाँ पर जो है चर्चा की जाएगी। जैसे राजस्थान की सरकार हमारे राजस्थान के पेंशनर को जो है किसी प्रकार का महंगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया है उसके बारे में भी हम निश्चित रूप से विरोध प्रदर्शित करेंगे और मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे इस मंच के माध्यम से कि हमारा तत्काल हमारे जो पेंशन जो का डीए बढ़ाया जाए और हमें पेंशनर को बोनस देने की भी हम इसमें जो है डिमांड रखेंगे।